पिछली बार जब ओम्स लॉ पे चर्चा हो रही थी तो हमें एक एक्सप्रेशन मिला था वी इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पर आर रेजिस्टेंस या हिंदी में उसे प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है? तो द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द करेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और ये होता किस वजह से है? तो ये बात चर्चा में आई थी कि करेंट आई जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह के लैटिस स्ट्रक्चर में जब मूव करते हैं तो बार बार कॉलिजन होता है, और ये पाथ जैसा यहाँ दिख रहा है इस तरह का जिगजैग होता है। तो इसी के कारण किसी भी कंडक्टर या डिवाइस का रेजिस्टेंस होता है। अभी रेजिस्टेंस जिस डिवाइस या वायर के पास होता है उसे हम एक नाम देते हैं रजिस्टर। ये रजिस्टर बेसिकली दो तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं। एक तो वायर वेस्ट रजिस्टर में क्या है कि वायर क्वाइल किया हुआ होता है किसी कंपोनेंट पे। ऐसे वायर वेस्ट रजिस्टर की बात करें, बेसिकली ये डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल का बना होता है, जैसे मैग्नीन, जैसे कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम एट्सेट्रा। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड सेंसिटिविटी टू द टेम्परेचर, डिफरेंट टाइप ऑफ वायर हम डिफरेंट सिचुएशन में यूज करते हैं। अक्सर जो रेजिस्टेंस वायर है उसका रेजिस्टेंस फ्रैक्शन से लेकर के 100 ओम्स के आसपास होता है, लेकिन जब हमें ज़रूरत रेजिस्टर्स की पड़ती है जिनके रेजिस्टेंस हाई होने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक स्पेशल रजिस्टर होता है जिसको हम लोग कार्बन रजिस्टर बोलते हैं। कार्बन रजिस्टर में हम कार्बन के यौगिकों का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से एक कोटिंग चढ़ी होती है इंसुलेटर की, अंदर कार्बन होते हैं और दोनों एंड पे लेड होता है। कार्बन ऐसे भी जानते हैं अपने हाई रेजिस्टेंस नेचर के लिए जाना जाता है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि पोल के वायर के साथ आपका वायर कनेक्टेड है और फिर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो लोग उसको रब करके और उसके बाद से टच कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। अक्सर लैब में आप जब काम करने जाते हैं, कॉपर के जो कनेक्टिंग वायर हैं वो काम नहीं करते, वहाँ पर भी हो सकता है समय के साथ कार्बन के लेयर जम गए हों। आप जानते हैं कि धूल कणों में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हम वहाँ सैंड पेपर यूज़ करते हैं और सैंड पेपर यूज करके कार्बन हटा लेते हैं। यानी कार्बन की ये हाई रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी बहुत सारे डिवाइसेस में काम आती है। और कार्बन रजिस्टर का शेप जो है वो आप देख सकते हैं, गेहूं के दाने से थोड़ा सा बड़ा उसी शेप में होता है, दोनों एंड पे वायर होते हैं। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट डिवाइस को खोल करके देखें, मोबाइल का चार्जर, रिमोट, तो उसमें रंग बिरंगे गेहूं के दाने जैसे सिरेमिक पे स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आ जाएगा। वो ये सिरेमिक पे जो बना हुआ स्ट्रक्चर है ये कुछ और नहीं, उस कार्बन रजिस्टर के क्या हैं, कलर कोड हैं। और वहाँ पर हाई रजिस्टेंसेस को पढ़ने के लिए आपको इस कलर कोड की जानकारी होनी चाहिए। इस कलर कोड में आपको ध्यान क्या देना है, तो इम्पॉर्टेंट है, एक रिमाइंडर के लिए लाइन लिखा हुआ है, ये मैंने पहले से लिख के रखा है, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। लिखा हुआ है बीबी रॉय, कोई नाम है कहाँ के, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या है वो? इज ए वेरी गुड वाइफ। और क्या करती हैं? तो वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज ए वेरी गुड वाइफ, वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब यहाँ से हमको ये पूरा टेबल तैयार हो जाएगा जिसके हेल्प से हम कार्बन रजिस्टर्स के रजिस्टेंसेस आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसा आप देखो, हमारे जो लेटर्स हैं, पहला जैसा बी है, जो भी रेड एंड बोल्ड में लिखे हुए हैं उन लेटर को फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप भी कर लेना, ये टेबल अपने से तैयार कर लेना। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि कोडिंग का जो सिस्टम है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, ये गोल्ड पूरा ही आपको चाहिए, सिल्वर और एन से नेकलेस, ठीक है। अभी हमारे पास तीन बी बेसिकली ट्रेवल करेंगे इसमें लिखने में,
तो 3B के लिए सबसे पहले हमको याद रखना है, मॉर्निंग 4 o'clock आप उठ करके टेरेस पे चले जाइए, स्काई का कलर आपको उस वक्त कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। पहला ब्लैक ख़त्म, पहला बी का प्रॉब्लम ख़त्म। 5 बजने दीजिए, ईस्ट डायरेक्शन में आपको ब्राउन कलर दिखेगा सन राइज के समय। तीसरा है, अब थोड़ी देर के बाद से वही स्काई आपको ब्लू दिखने लगेगा, ओके। तो ये सीक्वेंस में है, ब्लैक ब्राउन ब्लू। बी का 2 चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आपको जहाँ ट्रेवल होगी वो बेसिकली जी और जी दो ठो, तो कोई भी फसल पहले ग्रीन और अंतिम में ग्रे हो जाती है, तो पहले क्या था, ग्रीन था, इसलिए पहले ग्रीन लिख दीजिए और बाद वाले में ग्रे लिख लीजिए, यानी इसका भी प्रॉब्लम ख़त्म। अब जो लेटर्स हैं उनके प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, तो R4 बेसिकली रेड, O से एक ही कलर है ऑरेंज, ठीक है। Y से येलो लिख लीजिए और एक W से वाइट, ठीक है। गोल्ड तो गोल्ड ही है, ओके, गोल्ड कलर। सिल्वर, सिल्वर कलर। और नेकलेस के बदले नो कलर लिख लीजिए, तो आपके पास इतनी संभावनाएं हुई। अब अगला जो टेबल है वो नंबर का है, नंबर यहाँ 0 से स्टार्ट करना है, और जब आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वाइट आते आते एग्जैक्टली 9 पे रुक जाएगा, है ना। वाइट आते आते एग्जैक्टली, है ना, 9 पे रुक जाएगा। अच्छा, एक छूटा हुआ है यहाँ पर, वी फॉर वॉयलेट, वी फॉर वॉयलेट, मैंने बोला ना वाइट आते आते एग्जैक्टली 9 पे रुक जाएगा। चलिए, तो नंबर की बात ख़त्म हो गई। अब बात आती है किसकी, मल्टीप्लायर, है ना। ये गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के लिए कोई नंबर नहीं है। मल्टीप्लायर में जो भी आपने नंबर लिखा है वो 10 के पावर के टर्म में लिख दीजिए, उसी को 10 के पावर के टर्म में लिख दीजिए, मल्टीप्लायर का भी वर्क ख़त्म हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग में हमको याद कर लेना पड़ेगा। वेल, अभी तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अच्छा, ये जो दो कलर आपने लिखा है गोल्ड और सिल्वर, इसके लिए भी मल्टीप्लायर यूज होता है, 10^-1 और 10^-2। अब जहाँ तक आपने नंबर लिखा है वहाँ तक टॉलरेंस में कुछ मत लिखिए। ये टॉलरेंस क्या है समझ जाएंगे, ये एरर लिमिट है। तो गोल्ड के सामने 5%, सिल्वर के सामने, है ना, 10%, और नो कलर 20%। ओके, तो जैसा आपको दिख रहा है ये पूरा कलर कोड का चार्ट हो गया। आपको इसको याद रखना होगा अगर कार्बन रजिस्टर्स के रजिस्टांसेस पढ़ने हैं। अक्सर प्रैक्टिकल के वाइवा में एक ट्रे में बहुत सारे कंपोनेंट रखे हुए होते हैं और आपके एग्जामिनर्स बोलते हैं कि एक कार्बन रजिस्टर को उठाइए। आप अगर पहचानते हो तो कलरफुल सिरेमिक वाला स्ट्रक्चर आप उठाओगे, उसके बाद से पूछेंगे कि कलर क्या है, आपका जवाब होगा ये कलर कोड है, तो बोलेंगे पढ़ करके कार्बन रजिस्टर का रजिस्टांस बताइए। तो जब पढ़ करके कार्बन रजिस्टर की रजिस्टांस बताने की बात आती है, तो यहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया और कुल मिला करके 4 बैंड होंगे, ओके, 1, 2, 3 और 4। ये जो फर्स्ट 2 बैंड हैं 1 और 2, ये रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स 2-digit number, 2 digit वाले नंबर। और ये पहला जो है, है ना, ये 10 के प्लेस पे रहेगा और दूसरा 1 के प्लेस पे रहेगा। फर्स्ट 2 बैंड, 4 बैंड होते हैं, 4 बैंड में फर्स्ट 2 बैंड रिप्रेजेंट करते हैं 2-digit number। तीसरा बैंड जो है ये रिप्रेजेंट करता है क्या, मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर, ठीक है। और चौथा और अंतिम बैंड ये रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस, ओके। अब इनसे हम लोगों को पता चल जाएगा कि गिवन कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, ओके। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं,
जैसे आपको पहला कलर रेड, दूसरा वॉयलेट, तीसरा ब्राउन और चौथा गोल्ड। अब देखिए रेड के लिए यहाँ पर नंबर क्या है, तो 2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर्स लिख लेते हैं। पहला बैंड रेड था तो 1 के 10 के प्लेस पे 2। दूसरा वॉयलेट, तो वॉयलेट में आप देखिए यहाँ पर 7 है, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर हमको देख लेना है, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर 7 है, तो ये 27 हो गया। अब हमको मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर की बात करनी है, तो ये कलर जो था आपको ब्राउन था, और ब्राउन देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 10 का पावर 1 लिखेंगे, और अंतिम गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए है ना, ये जो है टॉलरेंस होता है, और गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना होता है, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस 5%। अब इस केस में हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखना हो कि रेजिस्टेंस कितना है ये गिवन कंडीशन के लिए, तो इस गिवन कंडीशन के लिए आपको रेजिस्टेंस लिखना होगा, पहले नंबर 27 इंटू मल्टीप्लायर 10 का पावर 1 और प्लस माइनस 5% इतना ओम। ये प्लस माइनस क्यों, तो आपने एरर चैप्टर पढ़ा होगा और वहाँ आपने देखा होगा कि कोई भी मेजरमेंट 100% करेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज रह जाती हैं, कुछ ना कुछ एरर लिमिट रह जाता है, यानी ऐसा है। ये 5% बोलने का मतलब 5% कम माइनस में और 5% ज़्यादा मतलब प्लस में हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब आप इसी को सेकंड एग्जांपल से समझ लीजिए। सेकंड एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, सेकंड एग्जांपल में पहला येलो, दूसरा वॉयलेट, तीसरा रेड और चौथा गोल्ड। तो आप सबसे पहले येलो के लिए देखिए, येलो आपके पास यहाँ पर है 4, तो 10 प्लेस पे नंबर 4 हो जाएगा। वॉयलेट के लिए नंबर ठीक है फिर से यहाँ पर 7 है, तो ये 7 हो गया। अच्छा रेड, रेड जहाँ पर है वहाँ 2 है, और मल्टीप्लायर के कॉलम में उसमें 10 to the power 2, यानी ये तीसरा बैंड तो मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करता है, तो 10 का पावर 2। और फिर से गोल्ड के लिए आपको 5%, यहीं पे अगर सिल्वर रहता तो 10% लिखते। तो ऐसे केस में ये रेजिस्टेंस 47 इंटू 10 to the power 2 प्लस माइनस 5% ओम होगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि ये चौथा बैंड ना हो, ठीक है, मतलब नहीं होगा चौथा बैंड, यहाँ पर कोई कलर नहीं दिखेगा, वो जो सिरामिक का स्ट्रक्चर बना हुआ है सेम कलर वहाँ पे दिखेगा, कलर बैंड नहीं दिखेगा। तो चौथा बैंड अगर नो कलर का नहीं दिख रहा है, मतलब नो कलर का है, और नो कलर का है तो जो परसेंटेज है टॉलरेंस का वो कितना हो गया, 20%। तो इस तरह से आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है, ओकेजनली ऐसा हो सकता है कि 4 के जगह पर 3 ही बैंड मिले। जब आपको 4 के जगह पर 3 ही बैंड मिलेंगे तो भी घबराना नहीं है, आपको 20% टॉलरेंस लिख करके चलना है, है ना। जनरली क्या होता है, ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे होते हैं और लास्ट, अब इसमें भी है, अगर अपोजिट से पढ़ लिया है ना, इसको 1, 2, 3 पढ़ लिया तब तो रेजिस्टेंस के वैल्यू बदल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, जिधर गैप रहेगा उधर से नहीं, जिधर यूनिफॉर्म स्टार्ट है वहाँ से। और ऐसे भी इस तरफ चौथे बैंड में 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो गोल्ड, नहीं तो सिल्वर, और नहीं तो नो कलर। हाँ तीसरे बैंड में भी है ना आपको गोल्ड और सिल्वर मिल सकता है, लेकिन पहले और दूसरे बैंड में कभी भी गोल्ड और सिल्वर नहीं मिलेगा, यही ऊपर के 9 जो कलर हैं उसी में से कुछ मिलेगा, उसमें भी जनरली ब्लैक आगे नहीं मिलता है, ठीक है, ब्राउन से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ब्लैक तो 0, 10 के प्लेस पे 0 का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इस तरह से कार्बन रजिस्टर के रेजिस्टेंसेस आप आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। हर एग्ज़ाम का एक फेवरेट टास्क है, एक नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड में, कंपटीशन में कहीं भी रहता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।